यहाँ पर कुछ इस तरह से समाज फोटो सभी का फोटो। हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए ब्लॉग्स वीडियो में। और दोस्तों, आज काफी दिनों के बाद सीधे दशहरा के बाद आज मैं ब्लॉग्स वीडियो बना रहा हूँ। और आज है धनतेरस और इस वक्त जो है मैं अभी मंडला में हूँ। और मंडला का धनतेरस क्या कैसा है और क्या कैसे सारे दुकान है, क्या कितने किस तरह से यहाँ पर रहता है धनतेरस का माहौल, मैं आप लोगों को दिखाने का कोशिश करूँगा। और कैसा लगेगा वीडियो नीचे कमेंट कर जरूर बताएं। और अगर पसंद आएगा वीडियो तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक कर, पहली बार अगर हमारे इस यूट्यूब चैनल में आज प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि आप लोगों के लिए मैं हर ब्लॉग्स में अलग अलग तरह के ब्लॉग्स लाता रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों, आज का ब्लॉग्स हम करते हैं कटने, और आप लोगों को मैं दिखाने का कोशिश करूँगा कि मंडला का धनतेरस किस तरह से रहता है, यहाँ का माहौल। और अभी जो है शाम का वक्त हो चुका है और मेरे को दिन में टाइम नहीं मिला, अभी शाम को टाइम मिला तो मैं अभी आप लोगों के लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो चलिए बने रहिएगा ब्लॉग्स में और आप लोगों को मैं दिखाता हूँ मंडला का धनतेरस का माहौल। तो दोस्तों, अभी जो है मैं अभी पुलिस लाइन में हूँ, आप देख सकते हो पुलिस लाइन का कुछ इस तरह से व्यू है। और आप लोगों को मैं दिखाने का प्रयास करूँगा कि किस तरह से जो है यहाँ से सारे दुकान हैं जो भी है। आज धनतेरस से तो यहाँ पर काफ़ी चीज़ कितने भी आते हैं वो सारे के सारे मैं जो है आप लोगों को ब्लॉग्स के माध्यम से दिखाऊंगा। थोड़ा वीडियो लंबा होगा लेकिन आप लोगों को पूरा का पूरा मैं दिखाने का प्रयास करूंगा। दोस्तों देख सकते हो आज धनतेरस के उपलक्ष्य में यहाँ पर न्यू न्यू बैगें भी बाहर से लेके आए हैं और काफ़ी शानदार बैगें हैं। और चलिए आप लोगों को फिर मैं आगे की ओर ले चलता हूँ। और काफ़ी शाम के माहौल जो है कुछ अलग ही माहौल रहता है और वो सारा का सारा मैं आप लोगों को दिखाने की कोशिश करूँगा। और यहाँ पुलिस लाइन से जो है मैं पूरा पूरा वीडियो दिखाने का कोशिश करूँगा, आप लोगों को पूरा ले चलूँगा, आप लोगों को मैं बढ़ते रहा जो मंडला का वहाँ तक का आप लोगों को पूरा का पूरा मैं वीडियो दिखाऊंगा। दोस्तों देख सकते हो ये जो है पुलिस लाइन जो है ये क्या बोलते हैं नेहरू स्मारक का माहौल है। और कुछ इस तरह से जो है यहाँ पर सब सजावटें हैं, आप देख सकते हो वहाँ पर कुछ इस तरह से है। और पूरा का पूरा वीडियो काफ़ी लंबा होगा लेकिन आप लोगों को पूरा का पूरा दिखाने का मैं प्रयास करूँगा। दोस्तों देख सकते हो कुछ धनतेरस के उपलक्ष्य में कुछ इस तरह से जो है यहाँ पर नेहरू स्मारक का कुछ इस तरह से नज़ारा है। सॉरी बैगा बैग चौराहा जो है अभी हम लोग पहुँच चुके हैं और उसके बाद मैं आगे का आप लोगों को मैं रेड क्रॉस को दिखाऊंगा क्या कैसा माहौल है वहाँ का, आप लोग बन ही ब्लॉक्स। दोस्तों आज जो है धनतेरस है और मंडला में काफ़ी अधिक भीड़ होने के कारण पुलिस प्रशासन भी जो है ड्यूटी पे लगा हुआ है, आप देख सकते हो यहाँ पर, क्योंकि आज है ना धनतेरस के चलते काफ़ी अधिक भीड़ है और इसके चलते भाई सिक्योरिटी ज़रूरी है। और यहाँ पर जो है मंडला पुलिस जो है अपने ड्यूटी पे उपलब्ध है। और दोस्तों अभी जो है हम लोग आ चुके हैं जो रेड क्रॉस मंडला और नगर पालिका यहाँ पर आ चुके हैं। और यहाँ का माहौल क्या कैसा है धनतेरस का वो मैं आप लोगों को दिखाऊंगा वीडियो में, बस आप लोग बने रहिएगा। देख सकते हो काफ़ी अधिक भीड़ चल रहा है अभी इस वक्त में। और भाई अंदर तो बात ही छोड़ यार, अंदर और कितनी अधिक भीड़ होगा वो कह नहीं सकते मैं। तो देख सकते हो कुछ इस तरह से जो है यहाँ पर भी मॉल लगे हुए भी काफ़ी शानदार है। भाई जिसके पास काम है उसके पास सारी चीज़ें, देख सकते हो काफ़ी खूबसूरत नज़ारा है। भाई मैं आप लोगों को खाली दिखा ही सकता हूँ, मैं भी खाली समझ सकता हूँ क्योंकि सब तरफ काफ़ी अभी भीड़ है और सारे के सारे जितने भी हैं अंदर भाई। और ये रहा अपना मंडला का चौपाटी अंदर पर, लेकिन मैं नहीं जाऊँगा, बस मैं आप लोगों को दिखाऊँगा। और काफ़ी अधिक भीड़ तो है क्योंकि आज धनतेरस है भाई, और मंडला का धनतेरस का वीडियो जो है मैं आप लोगों का पूरा दिखाने का कोशिश करूँगा, खाली लंबा बनेगा। आप देख सकते हो यहाँ काफ़ी अच्छा सुंदर मूर्तियाँ हैं, फूल हैं, नारियल हैं, और यहाँ पर और भी कुछ है यहाँ पर आप लोगों को मिलेगा देखने के लिए, देख सकते हो। भाई ज़्यादा तो मैं बोल कर नहीं दिखा पाऊँगा, जो भी जैसा मैं आप लोगों को वीडियो के माध्यम से दिखा रहा हूँ आप लोग देखिएगा क्या कैसा है वीडियो, कितना खूबसूरत है, बनेगा नहीं बनेगा और आप लोगों को बस
सारे के सारे मैं दिखाने का प्रयास करूँगा और आप लोगों को फिर मैं ये सदर तो यहाँ पर देख सकते हो बाप के एक और यहाँ पर अभी मैं रेड के उसके सामने आ चुका हूँ, देख सकते हो मन लगा और यहाँ पर मैं कुछ इस तरह से यहाँ पर सारे दुकानें लगे हुए हैं और आप लोगों को मैं ये वाले लाइन पर लेकर चलता हूँ जो स्टेडियम वाला लाइन है और इस तरह जो है किस तरह से माहौल है उस बारे में बैठना आते हैं और आप लोगों को मैं इधर आगे का माहौल दिखाता हूँ। दोस्तों अभी जो है मैं देख सकते हो रेड क्रॉस आ चुका हूँ और रेड क्रॉस यहाँ का आर्ट साइड जितना भी माहौल है और पूरा पूरा मैं आप लोगों को दिखाने का प्रयास करूँगा। तो आप लोग काफ़ी अधिक भीड़ काफ़ी अधिक भीड़ है, चलने के लिए भी थोड़ा ठीक ठाक तो चल भी पड़ेगा, काफ़ी अधिक भीड़ है और आप लोगों को मैं ये लाइन में लेकर चलता हूँ जो है यहाँ पर स्टेडियम वाला लाइन और उसके बाद में आप देख सकते हो यहाँ पर भी है और कुछ इस तरफ भी है देख सकते हो और काफ़ी अधिक और स्टेडियम है आगे लेकिन जरा और कुछ समझ मेरे को नहीं आ रहा है, बस आपको यार पुलिस लाइन कुछ सॉरी स्टेडियम लाइन में कुछ तो खास वहाँ का तो आप लोगों को दिखाऊंगा कि वहाँ पर किस तरह से दुकान है जो भी है आप लोगों को मैं पूरा दिखाऊंगा, बस आप बनिएगा। दोस्तों देख सकते हो कुछ इस तरह से है, ये है रेड क्रॉस और रेड क्रॉस के नीचे जितने भी दुकानें लगे हैं उनका देख सकते हो सजा कुछ काफ़ी सुंदरमय आजकल है माहौल है और भाई जिसके पास पैसे आप किस चीज़ की दिक्कत कर सकते हो, काफ़ी बच्चों के लिए भी काफ़ी सुंदर सब कुछ यहाँ जो है आज बिजनेस में लगती है आप लोगों को सब कुछ देखने को मिलेगा। अब चलिए यहाँ से अग्रसेन तेरह है, अब अग्रसेन तेरह से जो यहाँ पर रहता है ना माहौल वो मैं आप लोगों को दिखाऊंगा, आप लोग बस बड़े ही डेवलप होगा, काफ़ी अधिक भाई भीड़ है आप देख सकते हैं वीडियो काफ़ी लंबा होगा क्योंकि ये है अग्रसेन तेरह है, अग्रसेन तेरह से अब यहाँ से आप देख सकते हो सारे अपने घरेलू सामान हैं और अधिकतर आप लोगों को घरेलू सामान ही मिलेगा और मैं अभी इस तरफ से फिर उस तरफ से भी लौट कर फिर मैं वीडियो बनाऊंगा और आप लोगों को मैं दिखाने का कोशिश करूँ। देख सकते हो काफ़ी अधिक यह घर के सजावटें भाई यार दीपावली यहाँ है तो आज धीरे से तो सजावटें वाली चीज़ें तो आप लोगों को सबसे ज़्यादा देखने को ही मिलेगा यहाँ पर और आप देख सकते हो काफ़ी अधिक है यहाँ पर धीरे से अभी चल रहा है दोस्तों और ये रहा अपना टैक्सी मंडला का और अभी जो भी एकदम अपने घर के सामान क्योंकि दीपावली त्यौहार में और झाड़ुआ भी है काफ़ी अधिक देख सकते हो और अभी मैं आप लोगों को उस तरफ भी तेजा कर दिखाऊँगा किस तरफ का क्या कैसा है भाई आज यहाँ धनतेरस के माहौल में आप लोगों को सब कुछ दिखाने का प्रयास किया, ये रहा पसंद साइकिल वाला और उसके बाद में काफ़ी अधिक भीड़ है, काफ़ी अधिक भीड़ चलना भी बड़ी मुश्किल हो रहा है क्योंकि आज ये धनतेरस का माहौल तो तरफ है आप लोगों को काफ़ी जो है झाड़ुआ है देखने के लिए और आप लोगों को तरफ मैं इस तरफ मैं देख चलूँगा और उसके बाद में आप लोगों को मैं दिखाने का प्रयास करूँगा। किस तरह से रहा और अभी मैं देख सकते हो पहुँच चुका हूँ मरते रहा मैं और आप लोगों को अब मैं उस तरफ से दिखाता हूँ कि उस
तरफ और कितने सारे दुकानें और किस तरह से दुकानें हैं सजावट, इस बारे सारे सारे मैं आप लोगों को दिखाने का कोशिश करूँगा। और उस बात सीधे बस मंडला के अंदर होते हुए आज भी बढ़ता रहा मैं, उस बात में अपन देख सकते हो गोली की दुकानें हैं और आप लोगों को कुछ अच्छा से नहीं दिखा पाऊंगा क्योंकि काफ़ी अधिक भीड़ के चलते हैं। जो भी जैसा है आप लोगों को दिखाने का प्रयास, शायद से कुछ भी सारे दुकान हैं माध्यम से भी हो रहा है। ठीक है, जो भी जैसा है मैं आप लोगों को अपने मोबाइल फोन से हाथ की मदद से दिखा रहा हूँ। जैसा है देखते हैं और दोस्तों फिर से आप लोगों को मैं घूमा कर लग चुका हूँ। अरे बॉस और यहाँ पर ड्रोन के माध्यम से भी वीडियो शूट किया गया। माला खरीदना है अभी त्यौहार के सीजन, तो आप देख सकते हो यहाँ पर आप आ सकते हो। ये सनातन वाला है और भाई ये चलते चलते मेरे को मिल गया तो मैंने वीडियो बना लिया दोस्तों। तो दोस्तों आप लोगों को मैं वीडियो के माध्यम से दिखाने का प्रयास किया कि आज जो है 13 से मंगला था 29 अक्टूबर, तो काफ़ी अधिक भीड़ है दोस्तों। मैं जो है वहाँ अंदर से निकल कर आ चुका हूँ और मैं जो है अपने रूम के लिए जा रहा हूँ दोस्तों। मिलते हैं बस अगले दर्शन कर सकते हैं। जय हिंद।